देखिए चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। बड़ा झटका झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगने जा रहा है। इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, झारखंड सरकार में आप लोग भी हैं, महागठबंधन में आप लोग झारखंड में हैं, चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल होंगे, दिल्ली से रांची आते ही मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देने वाले हैं, कितना बड़ा झटका है झारखंड में महागठबंधन के लिए चुनाव से ठीक पहले? कोई झटका नहीं है। आदरणीय चंपाई सोरेन जी तो पहले से ही अनुमान था कि वो जाएंगे बीजेपी में, और जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं बीजेपी ये सब करते रहती है। ये बीजेपी का असली चरित्र है राजनीति का, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इसके पहले भी कई राज्यों उन्होंने किया है, लेकिन इसका कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। चुनाव से पहले ही बीजेपी झारखंड में हार मान गई। जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, जांच एजेंसियों का भय, ये दिखा करके वो करती है। अभी वो एक चंपाई सोरेन जी को तोड़ रहे हैं, अभी बीजेपी के कितने लीडर टूटेंगे और इधर महागठबंधन इंडिया गठबंधन में आएंगे, ये भादों के बाद पता चल जाएगा जब बीजेपी में खुद भगदड़ मचेगा। अभी बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर का हाल आपने देखा, अनाउंस करने के बाद 2 घंटे के अंदर विड्रॉ करना पड़ा कैंडिडेट का नाम। उसी तरह झारखंड के भी हालात हैं, अभी कई बीजेपी के विधायक हो, नेता हो, वो सारे सावन भादों के बाद भगदड़ बीजेपी में मचेंगे, सारे इधर संपर्क में हैं। अब जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त पर हम लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन बीजेपी के हर चाल का जवाब महागठबंधन झारखंड चुनाव में देगी और झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनेगी, उनका कोई दांव काम नहीं करेगा। जैसे क्या ये आप समझ रहे हैं कि चंपाई के जरिए बस वोट कटवाने की कोशिश है आदिवासी सीटों पर? एक मैसेज देने का प्रयास है, ये बहुत प्रयास इसके पहले भी किए गए तो फायदा क्या हुआ, हर बार तो सरकार गिराने का प्रयास किया जाता रहा। आप लोग 2019 में 7 सीटों पर लड़े थे झारखंड में, 1 सीट जीते, आपके जो विधायक हैं मंत्री भी हैं सत्यानंद भोक्ता वहाँ सरकार में, लोकसभा चुनाव में आप लोग 1 सीट पर लड़े थे, इस बार क्या है? देखिए महागठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच बैठक होगी, सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं कोई किचकिच नहीं है। जब सब लोग बैठेंगे सभी दलों का नेतृत्व तय हो जाएगा। हमारी जमीन मजबूत है झारखंड में, बिहार से ही कट के झारखंड नया राज्य बना, तो बिहार में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, तो झारखंड साथ था बिहार में, तो झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का जमीन राजनीतिक बहुत मजबूत है और लगातार संगठन के माध्यम से वहाँ काम किए जा रहे हैं, सरकार अच्छी काम कर रही है, इसलिए वहाँ पर फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब सीटों की संख्या, जितनी सीटों पर पिछले बार हम लड़े थे, इसके बाद और कितने सीटों पर हम लड़ सकते हैं, क्या संभावना है, ये पिछली बार से ज़्यादा सीट चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि वहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं बने, महागठबंधन की बने। तो अब ये नेतृत्व का विषय है, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये मिल बैठ करके तय कर लेंगे। तो चंपाई के बीजेपी में जाने से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बीजेपी हार मान ली है और बीजेपी के ही कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं, ये दावा कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी। बता दें चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन सीएम बनाए थे, जब जमीन घोटाले मामले में जेल गए थे, जेल से आते ही उनको सीएम पद से हटाया गया, लेकिन झारखंड सरकार में वो मंत्री हैं लेकिन नाराज हैं, कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया गया, मैं अच्छा काम कर रहा था, मुझे ज़बरदस्ती सीएम की कुर्सी से हटाया गया, तो खुली बगावत का ऐलान कर चुके हैं और 30 तारीख को झारखंड में रांची में वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, ABP News, पटना।